कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अमेरिकी क्रांति है, वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके हिस्ट्री हैं सोशल साइंस में, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि यही सेक्शन है जहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा दिखाई देंगे वहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी जनरल कंपटीशन जो पढ़ते हैं, तो इधर तो हिस्ट्री वो उनका रटा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें 9th-10th के सिलेबस में, तो उसमें भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, जैसे जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, जैसे उसमें नाजीवाद का उदय है जर्मनी, या इटली में फासिस्टवाद का उदय, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूस का जो भी क्रांति, या साम्यवाद जो भी चीन का है, तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो आप इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, और नोट्स जो भी मेरे हैं वो आपको मैं PDF में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप जो नीचे दिए गए नंबर हैं, जो लिंक बॉक्स में मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो उस पर आप संपर्क करके, या नोट्स जो है मेरे साइट से www.competitionhub.org.in से परचेज कर सकते हैं। बहुत सस्ते में मैं नोट्स दूंगा, बस एक जो भी कॉस्ट होता है जो कि मेकिंग चार्ज, बस वही लगेगा आपको। तो यहाँ से आप जो है नोट्स अवेलेबल रहेगा, तो आप सिर्फ जो है अच्छे से एक बार वीडियो देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे चैनल को, और लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज अमेरिकी क्रांति से, जो कि विश्व जो इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिए, तो भूमिका, कारण और परिणाम। तो मेन रूप से अगर अमेरिकी क्रांति हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसमें हम भूमिका, कारण और परिणाम को यहाँ पे आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहीं से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है भूमिका, तो भूमिका में हम लोग जो है ये लिख सकते हैं, विश्व इतिहास मूल स्वरूप में यूरोपियन उपनिवेशवाद एवं उससे मुक्ति का इतिहास है। इसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी क्रांति अपने कारण और परिणाम दोनों दृष्टियों से उल्लेखनीय है, ठीक है। तो विश्व इतिहास जो है मूल स्वरूप में क्या है, यूरोपियन उपनिवेशवाद एवं उससे मुक्ति का इतिहास है। क्योंकि उस समय ब्रिटेन का पूरे विश्व में दबदबा था, पूरे विश्व में उसने साम्राज्यवाद का विस्तार कर लिया था, जिस कारण से जितने भी विश्व के देश थे वो अंग्रेज से मुक्ति लेना चाहते थे। उसी दरमियान जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन किया, जो भी उनके साथ जो क्रांति की, वही जो है मेन रूप से हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। और जो भी, जिस कारण से जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो ये सब जो परिणाम है, ये सब औपनिवेशिक शोषण का ही परिणाम है। चलिए, तो इसके तहत हम लोग पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति भी पढ़ते हैं। जैसे पुनर्जागरण के प्रभाव से फिर औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति जब होती है, तो उससे क्या होता है, व्यापार, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। फिर वाणिज्यवाद से क्या होता है, औपनिवेशिक जो भी विकास होता है, फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेज इसमें आगे आ जाते हैं, ब्रिटेन और पूरे विश्व पे जो है धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग विश्व इतिहास मेन रूप से समझेंगे, तो पता चलेगा कि यह यूरोपियन उपनिवेशवाद तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल, स्पेन, डच, ये सब, फ्रांस, ये सब जो है अपने अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए होर लगा लेते हैं, जिस कारण से जो आपका विश्व युद्ध भी हो जाता है, ठीक है। तो मेन रूप से हम लोग यही सब चर्चा करते हैं। तो विश्व इतिहास क्या है, तो मेन रूप से यूरोपियन उपनिवेशवाद और उससे मुक्ति का इतिहास। उपनिवेश किसे बोलते हैं, जब एक संपन्न देश के द्वारा दूसरे अन्य कमजोर देशों पर आधिपत्य कर उसके प्रशासनिक इकाई या जो भी वहाँ की आर्थिक जो भी विकास है या जो भी उसके सिस्टम को कंट्रोल में ले लेना ही एक प्रकार से उपनिवेशवाद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसके क्या कारण थे और परिणाम क्या हुए, तो मेन रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछे जा सकते हैं अमेरिकी क्रांति कब हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अप टू आपका जो भी लेवल है, नहीं, बेसिक टू आपका
अपर लेवल तक मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चंस आए तो आप एकदम जवाब दे देंगे वहाँ पर। चलिए, तो कारण में हम इसको विभिन्न कारणों में बांट सकते हैं, ऊपर भी मैंने लिखा है। सबसे पहला कारण है आर्थिक, फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये मुख्यतः कारण हैं। तो कोई भी घटना या विद्रोह होता है या क्रांति होती है तो ये जरूर कारक होता है, आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सब का प्रभाव जो होता है वो जरूर पड़ता है उस क्रांति पे। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब आर्थिक कारण क्या था। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के दोष क्या थे, तो उसमें मेन रूप से जो दोष था वो था कि देखिए, अगर आप देखें तो अमेरिकी वासी कहाँ के निवासी थे मूल रूप से, तो वो मूल रूप से जो थे ब्रिटेन के ही निवासी थे। ब्रिटेन के ही जो व्यापारी वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग अमेरिका में जाकर के बस गए, जिसे कि उस समय नई दुनिया कहा गया, और अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। उससे पहले वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस थे, लेकिन बाद में मैक्सिमम लोग जो है ब्रिटेन से जा करके वहाँ पर बसे। फिर वहां पे विकास के दौरान ही जो है साउथ अफ्रीका वगैरह से या अफ्रीकन देश से जो है बहुत सारे दासों को वहां पे ले जाकर के बसाया गया, जिस कारण से निग्रो लोग जो अभी भी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो यही सब जो उस समय का जो उपनिवेशवाद का ही देन है। तो मेन रूप से जो अमेरिकी वासी थे वे कहां के निवासी थे, तो ब्रिटेन के निवासी थे। तो उन पर ब्रिटेन क्या करता था, शासन करता था, और अपनी वैश्विक व्यवस्था के तहत एक नौ परिवहन अधिनियम, कौन सा अधिनियम, तो नौ परिवहन अधिनियम 1651 लागू कर रखा था, जिसके माध्यम से क्या था कि ब्रिटिश जब भी व्यापार होगा तो वो ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से ही होगा, व्यापार जब भी होगा तो ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ये जो 1651 का जो ये आपका दिख रहा है नौ परिवहन अधिनियम, ये बहुत बड़ा कारण था उस समय लोगों में जो भी क्रांति लाने का, गुस्सा लोगों में लाने का, ठीक है। उसके बाद है व्यापार अधिनियम, दूसरा बना, व्यापार सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा ही संभव। तो ब्रिटेन से यहाँ पे घोषणा की गई थी कि जो भी व्यापार होगा वो सिर्फ ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश व्यापारी ही करेंगे, अमेरिकी व्यापारी नहीं करेंगे। उद्योग अधिनियम बना करके अमेरिका को मात्र एक कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था, जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भारत को भी यही जो किया था कि मेन रूप से कच्चे माल यहाँ से प्राप्त करते थे और फिर वही जो है बना करके पके हुए माल, जो भी तैयार माल थे उनको ला करके यहाँ पर बेचते थे, ठीक है। कच्चे माल जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कपास हो गया, रुई हो गया, तो यहाँ से ले गए खरीद के, जैसे नील हो गया, उधर से जो है फिर उससे बने हुए प्रोडक्ट यहाँ ला करके बेचते थे। तो ये अधिनियम अमेरिका पे भी लागू कर दिया गया था, जिस कारण से वहाँ पे जो आर्थिक शोषण की स्थिति थी वह हो गई थी, पैदा हो गई थी। चलिए उसके बाद सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि अगर आप देखें दोनों जगहों के सामाजिक स्तर को और सामाजिक सोच को, तो दोनों में अंतर था, ठीक है। ब्रिटेन में जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण कुलीनता या उच्च वर्ग के आधार पर होता था, वहीं अमेरिका में जो लोग मध्यम वर्ग के थे, समतावादी, प्रतिष्ठा का आधार क्या था, परिश्रम एवं लगन से। जो लोग परिश्रम एवं लगन से अपने आप को डेवलप कर रहे थे वही समाज में प्रतिष्ठित कहला रहे थे। अभी भी शहरों में अगर आप जाएं तो वहाँ पे मेन रूप से जो होता है प्रतिष्ठा जो होता है वो होता है परिश्रम और लगन, जो जिसके पास जितनी इनकम है या इनकम ऑफ सोर्स है उसी हिसाब से प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन गांव में अगर जाएं तो वहाँ पे जाति और सामंतवादी व्यवस्था रहता है, तो जो पहले से जो कुलीन है लोग उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा देते हैं। तो ये धीरे धीरे एक परिवर्तन था और समाज में एक नया मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, जो कि अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे, ठीक है। तो इस कारण से भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है, ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध जो है विरोध कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। तो मेन रूप से इनके दोनों के सोच में भी अंतर थे। अब सांस्कृतिक बात करें तो सांस्कृतिक में अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो धार्मिक, जो सांस्कृतिक की जो मान्यताएं थी वो भिन्न थे, ठीक है। दोनों क्षेत्र के धार्मिक संस्कृति मान्यताओं में भी अंतर थे। जैसे ब्रिटेन में एंग्लिकन, जो कि राज्य के हस्तक्षेप वाला चर्च था, यानी जो चर्च का हस्तक्षेप क्या होता था, राज्य में होता था, तो जिस कारण से
वहां पर और राज्य के भी हस्तक्षेप थे चर्च, जबकि अमेरिका में प्यूरिटन समुदाय का प्रभाव था जो धार्मिक कारणों से अमेरिका में बस गए थे, धर्म एवं राजनीति को अलग अलग मानते थे, यानी राज और धर्म को एक साथ वो लोग नहीं देखते थे। जबकि ब्रिटेन में क्या था कि राज जो था उस चर्च पे प्रभाव रहता था और चर्च का राजा पे प्रभाव होता था, जो कि अमेरिका में एक नए जो एंग्लिकन जो बने समुदाय धार्मिक चर्च वो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक स्तर दोनों का अलग अलग था, धर्म अलग थे और राजनीति अलग था, तथा धार्मिक स्वतंत्रता के ये समर्थक थे। बाद में जब अमेरिका आज़ाद होता है तो यही चीज़ वहाँ पे भी लाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज जो है किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए तो ये हो गया। फिर राजनीतिक कारण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, राजनीतिक कारण में क्या थे, तो राजनीतिक कारण में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चूंकि अमेरिकी वासी एक प्रकार से कहाँ के मूल निवासी थे, ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटेन में 1688 में ही संसद व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, यानी लोकतंत्र की स्थापना कब हो चुकी थी, तो 1688 ईस्वी में ही लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर की जा चुकी थी, तो जिससे कि यहाँ के लोग पहले से समझ रहे थे कि लोकतंत्र से क्या फ़ायदा होता है, तो वही तो लोग यहाँ पे आकर के बसे थे, तो इनको पता था एक स्वतंत्र देश के लिए क्या आवश्यक है और किस प्रकार से अमेरिका का विकास होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1688 से ही संसदीय व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, कहाँ पर, तो ब्रिटेन में, अतः अमेरिकी वासी स्वतंत्रता प्रेमी थे, चूंकि ये भी ब्रिटेन से ही आए थे तो ये भी स्वतंत्रता प्रेमी थे। राजनीतिक विचारकों का भी वहां पे बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने भी समानता बौद्धिकता एवं तर्क मानवतावाद पर जोर दिया, जैसे थॉमस जेफरसन एक अमेरिकी विचारक थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह अमेरिका का प्राकृतिक अधिकार है, साथ साथ उस समय जो शिक्षा एवं पत्रकारिता का जो विकास हो चुका था उसने भी जो अमेरिकी स्वतंत्रता की चेतना में वृद्धि लाया। ठीक है, तो वास्तव में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ही अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाता। क्रांति मतलब होता है एक बहुत बड़ा बदलाव, कम समय में जब बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है उसको हम क्रांति शब्द देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं जो युद्ध होता है युद्ध स्तर की क्रांति होती है, जैसे हम श्वेत क्रांति भी होता है, नहीं हरित क्रांति भी होता है, तो क्रांति मतलब होता है कम समय में एक नया परिवर्तन या आमूलचूल परिवर्तन। ठीक है, अन्य घटनाओं की भूमिका, तो इसमें और भी अन्य घटनाओं ने जो है अलग से भूमिका निभा दिया, जैसे यहां पर देखे सप्तवर्षीय युद्ध, तो उस समय क्या था कि 1756 और 63 के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है युद्ध चल रहा था व्यापारिक उपनिवेशवाद को लेकर के, जिसमें क्या हुआ था कि फ्रांस की हार हुई, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका को समर्थन कर दिया इस हार का बदला लेने के लिए, उसके पास एक मौका लगा कि इस हार का बदला लिया जाए और उसने जो है ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिका को सपोर्ट कर दिया और 1775 ईस्वी में यह समर्थन देता है। तो फ्रांस कब अमेरिका को समर्थन देता है, 1775 ईस्वी में। फिर जो है 1764-65 में जब ब्रिटेन सरकार द्वारा दो एक्ट लगा दिए जाते हैं, शुगर एक्ट, और जिस कारण से शक्कर की कीमत में वृद्धि हुई, और 1765 में स्टाम्प एक्ट, जिसके कारण से जो है न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी स्टाम्प पेपर में के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से अमेरिकी वासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, इसका मेन रूप से अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो बोस्टन की घटना, बोस्टन की जो चाय पार्टी आप सुने होंगे, ये अमेरिकी क्रांति का मूल जो है तत्कालिक कारण बनता है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि 1756-63 में बहुत सारे जो टैक्स लगा दिए गए थे या 64-65 में, तो उससे अमेरिकी जनता में जो है असंतुष्टि की भावना आ चुकी थी, असंतोष फैल चुका था। ठीक है, जिस कारण से अगर ब्रिटेन सरकार अच्छा भी काम करने का प्रयास करती है तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर इसी बहाने टैक्स या कर की वृद्धि कर दी जाएगी, और यही होता है। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार आती है ब्रिटेन में और उसने नई चाय नीति लाई, जिसके अनुसार क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एशियाई देशों से लाए जाने वाला चाय ब्रिटेन ना लाकर सीधे अमेरिका जो है लाना था।
ठीक है। पहले क्या होता था कि चाय जो एशियाई कंट्री से जो जाता था, पहले ब्रिटेन जाता था, फिर ब्रिटेन से होकर के वहां जाता था, लेकिन अब क्या किया नॉर्थ सरकार ने, जो ब्रिटेन का जो नॉर्थ के सरकार ने, वो डायरेक्ट क्या किया कि ये ब्रिटेन ना ला करके सीधे अमेरिका पहुंचाया जाए, जिससे अमेरिकी वासियों को सस्ती चाय उपलब्ध हो सके। लेकिन अमेरिकी वासियों को लगा कि इसी बहाने जो है ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ जो है अन्य कर लगाएगी, और जो है इसी कारण जो है वहां पे सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर जो चाय का खेप आया, जहाज का जो खेप आया, उसको क्या कर दिया गया, जहाज से उतार करके वहीं पर उस को फेंक दिया गया, ठीक है। जिस कारण से जो है बहुत भारी मात्रा में चाय था उस पर लदा हुआ, जिस कारण से जो है ब्रिटिश सरकार को बहुत क्षति हुई, और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार ने निम्न कदम उठा दिए, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया, स्थानीय स्वशासन भंग कर दी, और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, और सैनिक चौकसी बढ़ा दी, जिस कारण से जो है ब्रिटिश सरकार के इन कदमों से जो होता है अमेरिकी वासियों में प्रतिरोध विकसित होने लगता है, और वो लोग प्रतिनिधि सम्मेलन करने लगते हैं, और फिलोडेल्फिया में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाते हैं और अपने अमेरिकियों के अधिकारों की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी उस समय इन्होंने भाग लिया और बहुत सारे यहाँ पे नारे भी दिए, ठीक है। तो ये जो क्रांति थी, तो इसका जो पार्ट होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे वहाँ पे उतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें जो था मुख्य रूप से जो है बहुत सारे जो प्रतिनिधि जो सभा बने थे, जैसे यहाँ पर था स्वतंत्रता के पुत्र, स्वतंत्रता के पुत्री, स्वाधीनता की पुत्रियाँ, जैसे संगठन बनाए गए थे, और यहीं पे एक चर्चित नारा भी दिया गया था, वो नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। इस प्रकार के नारा फिर बाद में बहुत सारे क्रांति, जैसे भारत में भी इस प्रकार के नारे लगाए गए थे बाद में, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं संबंधित नारा जो है वो इसी आंदोलन के दौरान लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1765 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द करने की मांग, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार, सुरक्षा समितियों का गठन और हथियारबंद जो भी थे लोग होने लगे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि 19 अप्रैल 1775 को लेक्सटन एक शहर है अमेरिका में, वहीं पे अमेरिकी वासियों ने ब्रिटिश वासियों में पहला क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिकों में पहला प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष हुआ, और फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज दी, और फ्रांस ने अमेरिका को मदद कर दिया, स्पेन एवं पुर्तगाल ने भी जो है व्यापारिक कारणों से अमेरिका को समर्थन कर दिया। अंततः क्या होता है कि 4 जुलाई 1776 को फिलोडेल्फिया में सम्मेलन आयोजित कर अमेरिका के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई, ब्रिटिश सरकार हार जाती है यहाँ पर, और इस प्रकार अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन जाता है। तो ये याद रखेंगे 4 जुलाई 1776 को यह सम्मेलन आयोजित कर अमेरिका को स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी। तो यह डेट याद रखना है आपको, 4 जुलाई 1776 को, स्थान क्या था, फिलाडेल्फिया, ठीक है। अब परिणाम क्या होता है, तो इसको परिणाम को हम दो भागों में बांटेंगे, एक वैश्विक स्तर पे, एक अमेरिका में प्रभाव। अमेरिका पर जो प्रभाव होता है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चारों दृष्टि में होता है, और जो है विश्व स्तर पे भी, जैसे ब्रिटेन पे प्रभाव पड़ता है, फ्रांस पे पड़ता है, यहाँ तक कि भारत पे भी प्रभाव पड़ जाता है इसका, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार उस समय भारत पर भी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, राजनीतिक विकास के प्रभाव के तहत क्या होता है कि स्वतंत्रता की भावना का विकास हो जाता है, लोकतंत्र की स्थापना होता है अमेरिका में, पहला लिखित संविधान बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है आपका अमेरिका, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका। उसके बाद है गणतंत्रवाद का उदय होता है, गणतंत्रवाद उसको बोलते हैं कि राष्ट्र प्रमुख का क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक जो यहाँ पे फायदा होता है, आर्थिक जो भी परिणाम के तहत नए सुधार कार्यक्रम के तहत जो है अमेरिका में कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास होता है, और वहाँ पे अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर जारी की जाती है, और जो है इसका जो संपूर्ण संचालन जो है अमेरिकी सरकार खुद अपने हाथ ले लेता है। उसके बाद है यहाँ पर आर्थिक प्रभाव में ही क्या होता है कि इसके बाद जो है एक नए वाणिज्यवाद में जो होता है वो
यह कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पे जो उससे पहले क्या था कि राज हस्तक्षेप कर रहा था वाणिज्य में, एडम स्मिथ का जो भी, तो अब क्या होता है कि राज जो है वाणिज्य में जो है हस्तक्षेप करना, व्यापार में हस्तक्षेप करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है सामाजिक प्रभाव, परस्पर जातीय समानता की भावना का विकास हुआ और जो कुलीन और जो है निम्न जो भी मध्यम वर्ग उसमें समानता पर बल दिया गया, समाज में मध्यम वर्ग के महत्व की स्थापित हुआ, मध्यम वर्ग का महत्व स्थापित हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव, क्रांति के पश्चात अमेरिका में प्यूटन धर्म के काल में धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। तो धर्मनिरपेक्ष जो अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष है और भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिका किसी धर्म को नहीं मानता है जबकि भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। दोनों देश धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सब इसके परिणाम निकले, ठीक है। अब है इसके बाय प्रभाव क्या हुए वो देखिए। अमेरिका क्रांति के बाय प्रभाव, तत्कालिक शासक जॉर्ज तृतीय व्यक्तिगत शासन का अंत हुआ। जो वहां पर ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था उसके व्यक्तिगत शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और साथ ही प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ का को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अमेरिका के विकल्प के रूप में ऑस्ट्रेलिया का विकास हो जाता है और भारत को एक आदर्श उपनिवेश बनाने की दिशा में तेजी लाई जाती है। इसके बाद ही आप देखेंगे जब 1757 में प्लासी की क्रांति होती है जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, उसके बाद जो है अंग्रेज जो है 1765 में जो दीवानी व्यवस्था जो लाते हैं, जो आपका अवध के नवाब के साथ जो समझौता होता है वहां पर, ठीक है, उसके बाद तो देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय जो भी ब्रिटेन का उपनिवेश जो था भारत में, तो उसमें भी चेंजिंग आता है। अब यहाँ के व्यापारी जो थे अब ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने लगते हैं भारतीयों का। ब्रिटेन के औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन आए, कुछ संदर्भों में मित्रतापूर्ण नीति अपनाई गई, ठीक है। अब उनको लगा कि जब तक हम मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, और जो है जिस कारण से उन्होंने स्वायत्तता बढ़ाया। फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा, फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा आगे चलकर स्वयं फ्रांस में तत्कालीन निरंकुशवादी शोषण के विरुद्ध जागरूकता फैली, चूंकि वो लोग आकर के अमेरिका में ये ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़े थे, तो मेन रूप से जो ये भी स्वतंत्रता संग्राम ही था अमेरिका का, तो इससे वहां के सैनिकों में जागरूकता आई कि हमारे देश में भी निरंकुश शासक हैं तो इसके विरुद्ध लड़ा जाए। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति की ही भूमिका रही थी इस क्रांति में, 1789 के फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अन्य प्रभाव क्या होते हैं, 1776 के रूस क्रांति का प्रभाव, सॉरी फ्रांस की ये अमेरिकी क्रांति का प्रभाव वैश्विक रहा। राजनीतिक संदर्भ में विश्व के अन्य उपनिवेशों में आगे चलकर स्वतंत्रता को प्रेरणा मिली। विश्व के अनेक देश जो है अब ब्रिटेन, अब उनको लग गया कि ये जो है ये अजर जो होते हैं अजय ये नहीं है, ब्रिटेन को भी हराया जा सकता है, और सब जगह जो है अब विरोध जो है विश्व स्तर पे होना शुरू हो जाता है। आर्थिक संदर्भ में वाणिज्यवाद के नीतियों को भी आघात पहुंचता है और एडम स्मिथ के जो हस्तक्षेप के सिद्धांत थे उसको यहाँ पे महत्व मिला, क्योंकि इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अहस्तक्षेप यानी राज का किसी प्रकार से व्यापार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सामाजिक संदर्भ में भी समानता एवं प्रगतिशील विचारों को बल मिला, स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकारता प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार हम जो देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति प्रभाव के स्तर पर अमेरिका में भी प्रभाव पड़ता है, इसके परिणाम का परिणाम हुआ और जो है विश्व स्तर पे भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व को यह प्रभावित करता है। तो ये जो नोट्स होंगे वो पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।